हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। फ्रेंड्स, आज है 21 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 21 जुलाई का जो करंट अफेयर निकल कर आया मध्य प्रदेश का, वो पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, ये जो वीडियो है आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही IMP है। हम यहाँ पर वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहेंगे। यदि आप MP पुलिस, MPSI, रेलवे, CTT, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको MP पुलिस, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, CTT सभी के लिए आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज से इसकी तैयारी आप सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। इसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमारे कूपन कोड ROYJGOV40 को भी यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 40% का पूरा डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ से जाकर बिल्कुल आप परचेस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी, वही वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जी, फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने, श्री राम वन गमन पथ कॉरिडोर को किस राज्य की सरकार, जो कि किस राज्य की कांग्रेस सरकार बनाएगी। देखिए, बात की जा रही है श्री राम वन गमन पथ कॉरिडोर की और इसको किस राज्य की कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो ये रहे आपको ऑप्शन, आप इसको आसानी से क्लिक कर सकते हैं यदि आपको पता है तो। देखिए, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश। श्री राम वन गमन पथ कॉरिडोर जो बनाएगी वो मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है ये बनाएगी। अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को मजबूत करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार 22 करोड़ रुपए खर्च पर श्री राम गमन पथ, ओके, वन गमन पथ का कॉरिडोर बनाएगी। तो ये आपको याद रखना है, 22 करोड़ रुपये का खर्च इसमें होगा और ये जो कि बनाएगी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार बनाएगी। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो कि श्राइन बोर्ड कॉम्प्लेक्स, धर्मशाला, यात्रियों के लिए पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक सहित भीड़ नियंत्रण के उपाय भी किए जाएंगे। कॉरिडोर में चित्रकूट, पन्ना और जो कि बदवारा, कटनी, रामघाट, जबलपुर, राम मंदिर तालाब, रामनगर मंडला, शहडोल, डिंडोरी और अमरकंटक को शामिल किया गया। तो इन एरिया को जो इसमें शामिल किया गया ये आप याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ललिता को हलधर जैविक किसान पुरस्कार से कहाँ पर सम्मानित किया गया। देखिए, मध्य प्रदेश की जो ललिता है इसको सम्मानित किया गया हल, जो कि हलधर जैविक किसान पुरस्कार से, और कहाँ पर इसको सम्मानित किया गया ये आपको बताना है। ये रहे आपको ऑप्शन, आप क्लिक करके बता सकते हैं। आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। जी, आपको ये याद रखना है, मध्य प्रदेश की जो ललिता है इनको हलधर जैविक किसान पुरस्कार से नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। देखिए, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा वह स्थापना दिवस जो कि मनाया गया था। तो 91वां यहाँ पर रहेगा, 91वां यहाँ पर रहेगा आपका राइट आंसर। और इस कार्यक्रम में बड़वानी जिले की बोरलाई निवासी महिला उन्नतशील किसान ललिता मुकाती को हलधर ऑर्गेनिक किसान अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आप इतना सा याद रख लीजिए तो यहाँ पे आपका फैक्ट क्लियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के गांधी अध्ययन केंद्र को एक नए स्वरूप में विकसित करने, जो कि करते हुए गांधी लाइब्रेरी और संग्रहालय का रूप प्रदान किया जाएगा। ये रहे आपको ऑप्शन, आप आसानी से इसको क्लिक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा विक्रम विश्वविद्यालय। जी, जो कि विक्रम विश्वविद्यालय के गांधी अध्ययन केंद्र को एक नया स्वरूप में विकसित करते हुए गांधी लाइब्रेरी और संग्रहालय का रूप प्रदान किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। लाइब्रेरी में गांधी से जुड़ी 1000 छोटी बड़ी पुस्तकें होंगी और 500 पत्र पत्रिकाओं का संग्रहण विद्यार्थियों के साथ अन्य लोगों को पढ़ने के लिए भी मिलेगा। प्रदेश के जो कि किसी भी विश्वविद्यालय में यह पहला ग्रंथालय होगा जहां गांधी जी से जुड़ा संपूर्ण साहित्य लोगों को मिल सकेगा। तो यहां पर देखिए, प्रदेश का पहला रहेगा, इसलिए IMP क्वेश्चन हो जाता है, आपको ये याद रखना है। वहीं संग्रहालय में गांधी जी के चित्र, चरखा, चश्मा, देश विदेश की डाक टिकटों और मुद्राओं में गांधी जी सहित इनसे जुड़ी अन्य वस्तुओं का भी संग्रह किया जाएगा।
तो इतना सा आप याद रख लीजिए तो आपका फैक्ट क्लियर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी राज्य सरकार द्वारा पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है? तो देखिए यहाँ पे ये आपको ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं आसानी से, यदि आपका इसका राइट आंसर पता है तो इसका राइट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो राज्य सरकार है पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। अब डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है इसके जो जनसंपर्क मंत्री है पीसी शर्मा ने आज यहाँ मानस भवन में एक साहित्य पत्रिका के प्रतिभा सम्मान समारोह में ये बात कही है। और मीडिया के लिए यह भयमुक्त वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने पर गंभीरतापूर्वक विचार भी कर रही है। श्री शर्मा ने खुशियों का डेरा जो कि पुस्तक का विमोचन किया, देखिए यहाँ पे पुस्तक का नाम है आपको याद रखना है, खुशियों का डेरा, इन्होंने पुस्तक का जो कि विमोचन किया है। मंत्री श्री शर्मा ने समारोह में विभिन्न प्रांतों के साहित्यकारों और पत्रकारों और समाज सेवियों को भी सम्मानित किया है। तुलसी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद ने कार्यक्रम का संचालन किया। तो देखिए यहाँ से आपका ऐसा पूछा जा सकता है कि तुलसी जो साहित्य अकादमी है इसके अध्यक्ष कौन है, तो मोहन तिवारी आप याद रखिए, नाम याद रखिए, डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद ने जो कि इस कार्यक्रम का जो कि संचालन किया। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कौन से विश्वविद्यालय के नए सत्र का शुभारंभ किया है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ये रहे आपको ऑप्शन, आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं यदि आपको याद है, तो नहीं याद है तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय। जी हाँ, इन्होंने जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, इन्होंने माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नए सत्र का शुभारंभ किया है। अब डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा इसको, तो मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने पत्रकारों से कहा है कि निष्पक्षता के साथ निडर होकर सरकार से प्रश्न पूछे और आलोचना भी करें। श्री नाथ ने आज जो कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता की ओर जो कि सत्रारंभ 2019 का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने पत्रकारिता के विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने पैसे का सम्मान करें और उसकी शपथ भी लें। तो ये बात इन्होंने कही है। तो यहाँ पे देखिए आज का इतना ही जो करंट अफेयर था जो आपके लिए लेकर आए, तो आपको पता भी चल गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। देखिए पिछले पार्ट में हमने आपको क्वेश्चन दिया था, मध्य प्रदेश का डेटॉइड किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोगों को बहुत सारे हमें कमेंट भी मिले, सही आपको कमेंट आपने करके बताए। इसका जो राइट आंसर शाहरुख मंसूरी ने जी ने सबसे पहले हमें करके बताया था, इसलिए इनका नाम अनाउंस किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पीतमपुर। आपको ये याद रखना है पीतमपुर, और पीतमपुर जो है धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आप सभी ये याद रख लीजिए, थोड़े से डिटेल देखेंगे इसके बारे में। पीतमपुर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है। तो यहाँ पे आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। और यहाँ एक विशेष आर्थिक जो कि आर्थिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो कि बोला जाता है इसको भारत में सबसे बड़ा। ओके तो यहाँ पर आप ये याद रख लीजिए कि जो है सेज है, भारत का सबसे बड़ा सेज है, या फिर आर्थिक विशेष आर्थिक क्षेत्र है भारत का सबसे बड़ा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इंदौर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना तो ये आपको याद नहीं रखना है किलोमीटर, बट थोड़ा सा आप याद रख लीजिए। पीतमपुर नगर का उपनाम जो है डेट्रॉइड ऑफ इंडिया आपको इसको बोला जाता है, आप सभी को ये भी याद रखना है। और मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आता है पीतमपुर। यहाँ लगभग 1500 कंपनियाँ कार्यरत हैं, और यहाँ रहने के लिए आवासीय क्षेत्र भी है जिसमें हाउसिंग बोर्ड, इंडस टाउन, छत्र छाया तथा इंडोरमा सबसे महत्व जो कि प्रमुख है। तो यहाँ पे इतने से आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। यदि आप इतना सा आप याद रख सकते हैं फैक्ट, तो यहाँ से पीतमपुर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इतने ही पॉइंट पीतमपुर से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है ये क्वेश्चन। आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट करके जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।